नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा वर्मा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। 14 अगस्त को युवक धीरज पांडे की हत्या के आरोप में वांछित अभियुक्त डॉक्टर प्रभाकर वर्धन राज उर्फ नीटू राज को सहजमना थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि के अवसर पर भाजपाइयों ने उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर दी उन्हें श्रद्धांजलि। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के पद चिन्हों पर चलने का लिया संकल्प। भाजपा के अनुसूचित जनजाति मोर्चा के रानीडीहा स्थित एक निजी स्कूल में 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने दीप प्रज्वलित कर किया शुभारंभ। कहा, सरकार के कल्याणकारी योजनाएं सहित अन्य विषयों पर हुई चर्चा। आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के तहत ट्रैफिक पुलिस व सिविल पुलिस ने एसपी ट्रैफिक डॉक्टर एमपी सिंह के नेतृत्व में पुलिस लाइन से महानगर में निकाला पैदल तिरंगा यात्रा। कहा, देश को आजाद कराने वाले वीर अमर शहीदों को किया गया याद। एक संगठन के द्वारा गोरखपुर विश्वविद्यालय परिसर में स्टॉल लगाए जाने पर छात्रों ने किया विरोध प्रदर्शन। मौके पर पहुंचे गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर एस के सिंह ने छात्रों को समझा बुझाकर कराया शांत। कहा, कल से गोरखपुर विश्वविद्यालय परिसर में नहीं लगेगा कोई स्टॉल। उत्तर प्रदेश आशा वर्कर्स यूनियन का मंडलीय महापड़ाव सकसल हुआ संपन्न। 12 सितंबर को आयोजित होने वाले कार्यक्रम को सफल बनाने पर हुई चर्चा। आजादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत महिला पुलिस एवं पीएससी के बच्चों द्वारा गोरक्षनाथ मंदिर से मैराथन दौड़ का किया गया आयोजन। एसपी ट्रैफिक ने बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले महिला पुलिस एवं बच्चों को पुरस्कार देकर किया सम्मानित। अब खबरें विस्तार से। सहजनवा थाने की पुलिस ने 14 अगस्त को युवक धीरज पांडे की हत्या करने वाले एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान डॉक्टर प्रभाकर वर्धन राज उर्फ नीटू राज पुत्र सर्वजीत राज निवासी ग्राम जुमरी निवास थाना सहजनवा जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है। एसपी नॉर्थ ने बताया कि अभियुक्त 14 अगस्त को सहजनवा थाना क्षेत्र के ग्राम पनपा में युवक की हत्या में शामिल था, जिसके ऊपर थाने में मुकदमा पंजीकृत था, जिसको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। जल्द ही बाकी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाएगा। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में सहजनवा थाना प्रभारी मानवेंद्र पाठक, उप निरीक्षक अनिश कुमार शर्मा, कांस्टेबल संतोष पांडे, अशोक कुमार, इंद्रजीत यादव, महिला कांस्टेबल सुमन यादव, जीत यादव शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने कहा, दिनांक 14/8/2022 को ग्राम पनिपा थाना सहजनवा में धीरज मुनि पांडे नामक व्यक्ति की हत्या हो गई थी, जिस पर थाने पर अभियुक्त पंजीकृत किया गया था। इस संबंध में आज अभियुक्त प्रभाकर वर्धन उर्फ नीतू, जिसका के नाम स्वयं मृतक द्वारा अपने मृत्यु से पूर्व एक वीडियो में कहा गया है, उसको गिरफ्तार किया गया है। उसको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। शेष अभियुक्तगण की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं तथा वे चुनाव चले। देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि के अवसर पर भाजपाइयों ने उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी, जिसके संबंध में भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष व एमएलसी डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि देश के 3 बार प्रधानमंत्री रहे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि है। वाजपेयी का पूरा जीवन समाज व राष्ट्र के लिए समर्पित रहा। जब वह 1996 में देश के प्रधानमंत्री बने थे, जिसमें 13 दिन की सरकार चली थी, और 1998 में 13 महीने की सरकार थी। जब वह दूसरी बार प्रधानमंत्री बने थे, तो उन्होंने एक संदेश दिया था कि राजनेता किस तरह का होना चाहिए। उनके शासनकाल में 13 मई 1998 को देश में परमाणु बम का टेस्ट सकुशल संपन्न हुआ, जिससे देश परमाणु बम संपन्न देश बन गया। यह देश कभी अटल बिहारी वाजपेयी को नहीं भूल सकता है। उन्होंने गाँव को सड़कों से जोड़ा, शहर को 4 लेन व 6 लेन से जोड़ा। उनके पुण्यतिथि पर हम सभी उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और संकल्प लेते हैं कि उनके दिखाए गए मार्ग पर चलकर देश का नाम रोशन करेंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष व एमएलसी डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने कहा,
देश के तीन बार प्रधानमंत्री रहे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की आज पुण्यतिथि है। वाजपेयी जी का पूरा जीवन समाज और राष्ट्र के लिए समर्पित रहा और जब वो देश के प्रधानमंत्री बने थे 1996 में 13 दिन की सरकार चली थी और फिर 98 में 13 महीने की सरकार थी, तो 13 महीने की जब सरकार दूसरी बार जो प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने देश के लिए ही नहीं बल्कि दुनिया के लिए एक मॉडल दिया था कि राजनीति में भी शुचिता कैसी होनी चाहिए, पारदर्शिता कैसी होनी चाहिए और एक राजनेता के लिए एक ऐसा आइडियल क्या होना चाहिए। उन्होंने संसद में जब बहस चल रही थी और एक वोट से सरकार गिर गई थी तो उन्होंने देश के सामने लोकसभा में कहते हुए कहा था कि बाजार भी सजी है, बिकने वाले भी लोग हैं, लेकिन मैं अनैतिक काम के लिए चिमटे से भी नहीं छूऊंगा, और एक वोट से सरकार गिर गई थी। अटल जी के नेतृत्व में इस देश ने जो 1964 में जनसंघ ने सपना सजोया था कि भारत को कभी परमाणु संपन्न राष्ट्र बनाएंगे, वो सपना 13 मई 1998 को परमाणु पोखरण विस्फोट करके अटल जी के नेतृत्व में दुनिया के शक्तिशाली राष्ट्रों के कतार में खड़ा करने का काम अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में हुआ था। ये देश कभी अटल जी को नहीं भूल सकता। अटल जी ने इस देश में 4 लेन 6 लेन सड़कों को जोड़ने का काम रहा हो, या गांव-गांव में प्रधानमंत्री सड़क योजना से गांव को जोड़ने का मामला हो, या हर हाथ में मोबाइल देने का काम, ये काम सब कुछ अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया है। और इसलिए यह देश हमेशा ऐसे महापुरुष श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद करता रहेगा। आज उनकी पुण्यतिथि है, हम सब उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, हम सब उनको याद करते हैं। और युवा पीढ़ी, विशेषकर जो देश की युवा पीढ़ी है, हमेशा अटल बिहारी वाजपेयी जी के जीवन से हम सब प्रेरणा लेकर के अपने जीवन में कुछ जो समाज और राष्ट्र के लिए जितना हो सके वो करने का की प्रेरणा अटल जी से हमेशा हम लेते रहेंगे। उनको विनम्र श्रद्धांजलि। भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के रानीडीहा स्थित एक निजी स्कूल में 3 दिवसीय प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण का शुभारंभ हुआ। आपको बता दें कि प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने दीप प्रज्वलित कर किया, जिसके संबंध में भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने बताया कि भाजपा का प्रशिक्षण पार्टी का एक हिस्सा है, कभी भी कोई राजनीतिक दल इस प्रकार की व्यवस्थाओं पर चिंता नहीं करता है, लेकिन भाजपा पार्टी के गठन प्रशिक्षकों की व्यवस्था प्रदेश व केंद्र स्तर पर होता है और प्रदेश में क्षेत्रीय स्तर पर भी प्रशिक्षण होता है। इसके अलावा विभिन्न मोर्चों का प्रशिक्षण भी समय समय पर होता है, जिसको देखते हुए 3 दिवसीय अनुसूचित जनजाति मोर्चे का प्रशिक्षण प्रारंभ हुआ है। उन्होंने बताया कि प्रशिक्षण में राजनीतिक विषय, सरकार की उपलब्धि, पार्टी के समय विस्तार पर भी कार्यक्रम चलता है जिस पर चर्चा होती है। इसमें एक विषय पर काफी देर तक चर्चा की जाती है और कार्यकर्ताओं का सुझाव भी लिया जाता है। इस अवसर पर भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष MLC डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता, महापौर सीताराम जायसवाल सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा, स्नेह नीर फूलते रहे सुमन से उजला रहे आज हम सबके बीच उपस्थित है।
मेयर है गोरखपुर के, विश्वजीत सिंह का शुभारंभ करने के लिए पुष्पार्पण सदस्य भी है वो भी इस मंच पर मौजूद है। वंदे मातरम का गायन करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी प्रशिक्षण योजना कार्यक्रम, ये हमेशा से हमारा ये पार्टी का एक हिस्सा है। कभी भी कोई भी राजनीतिक दल इस प्रकार की व्यवस्थाओं में कभी ज़्यादा चिंता करते नहीं, परंतु भारतीय जनता पार्टी हमेशा पार्टी के गठन के साथ साथ पूरे नीचे तक प्रशिक्षणों की व्यवस्था प्रदेश और अखिल भारतीय स्तर पे भी होता है, प्रदेश और प्रदेश के अलग अलग जो क्षेत्र है, जैसे उत्तर प्रदेश में अलग अलग क्षेत्र हैं, तो क्षेत्रीय स्तर पे भी प्रशिक्षण और साथ साथ जितने हमारे जो मोर्चा हैं उन मोर्चों का भी बहुत बार संयुक्त रूप से होता है। परंतु जो मुझे अभी जानकारी मिली है कि उत्तर प्रदेश में हर मोर्चे का अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग रीजन में मोर्चों का प्रशिक्षण का कार्यक्रम है, और आज इसी दृष्टि से जनजाति मोर्चे का प्रशिक्षण 3 दिन का है। आज अभी प्रशिक्षण वर्ग शुरू होगा और परसों 3रे दिन इसका समापन होगा। इसमें सारे राजनीतिक विषय भी होते हैं, संगठनात्मक विषय भी होते हैं, कुछ सरकार की उपलब्धियों पे भी चर्चा होती है, पार्टी के इस समय विस्तार का कार्यक्रम चलता है तो उस पे भी चर्चा, अलग अलग विषयों में अलग अलग जो विषय लेने वाले हमारे जो प्रवर्तक रहते हैं वो इस पे चर्चा करते हैं। और जैसे 40-45 मिनट का एक पूरा विषय रहता है उस पे डिस्कशन भी होते हैं, और कुछ सत्र ऐसे भी होते हैं जहाँ ओपन डिस्कशन भी होते हैं, उन पे कार्यकर्ताओं के सुझाव और उनको नोट करना और उसमें से और कोई अच्छा हो सकता है, तो ये सारे इस प्रकार के विषय इस पे चर्चा होती है। मंत्री जी, आपके पास इस्पात और ग्राम विकास जैसा मंत्रालय है, क्या लगता है कि देश को अभी भी इस्पात के आयात की जरूरत पड़ रही है या उत्पादन किस तरह का है, महंगाई का कितना असर इस्पात में भी देखते हैं? देखिए, GDP में बहुत बड़ा योगदान इस्पात क्षेत्र का है। आज ये नीचे गाँव तक, घर तक अगर भी हम कहें तो इस्पात का बहुत बड़ा हमारे पास है। जितना जो रिक्वायरमेंट है उस पर हम कोशिश करते हैं पूरा करने का, और ख़ास तौर से जो हमारा मंत्रालय है स्टील का क्षेत्र है, तो उसमें जितना हमारे पास से जो क्षमता है प्रोडक्शन है हमने 100% उत्पादन कर रहे हैं, और उसमें से अगर ज़रूरत पड़ती है तो कुछ इम्पोर्ट भी हमको करना पड़ता है, परंतु कम मात्रा में करना पड़ता है क्योंकि रॉ मटेरियल्स लोहे को, इस्पात को, स्टील को बनाने के लिए लाइमस्टोन की भी ज़रूरत पड़ती है, आयरन ओर की भी ज़रूरत पड़ती है, फिर कुकिंग कोल की, ऐसे सभी प्रकार के अलग अलग टर्म्स की उनकी आवश्यकता पड़ती है, ऐसे सब मिलाकर के फिर लोहे का निर्माण होता है। तो इसलिए जहाँ जहाँ जैसे आवश्यकता है जिन प्लांटों में, तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है।
और आज माइनिंग के क्षेत्र में विशेषकर हमारे झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा, ये हमारे तीन ऐसे बड़े मेजर स्टेट हैं जहाँ से हमको रॉ मटेरियल मिलता है। बाकी कुछ और अन्य स्टेट हैं जहाँ पर अलग अलग क्षेत्रों में किसी स्टेट में लाइमस्टोन की ज़रूरत पड़ती है, किसी जगह आयरन ओर है, परंतु उसका जो ग्रेड लो है, अलग अलग क्षेत्रों में हम काम कर रहे हैं। परंतु बहुत ज़रूरत इस बात की है कि आज रेलवे आप देख रहे हैं, रेलवे की जो रिक्वायरमेंट है, रेलवे की पटरी है, बाकी चीज़ों का है, वो 100% आज की तारीख में हम जो उनकी ज़रूरत है उस आधार पर रेलवे का काम भी इस्पात मंत्रालय करता है। और उसके लिए अभी तक देश में इसका और भी विस्तार कर रहे हैं। हम उत्तर प्रदेश में भी जो बरेली में हमारा उसके जो पात के साथ रिंग बनाने का, उसके व्हील बनाने का काम अभी शुरू होने का, उस पर ट्रायल चल रही है और मुझे लगता है निकट भविष्य में बहुत जल्दी हम उसको अभी उसकी रेगुलर प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। देखिए, अपने अलग अलग स्तरों में, अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार के कुछ राष्ट्रीय गान है, राष्ट्रीय गीत है इस प्रकार का, तो मुझे लगता है कि वो अपने राज्य सरकार ने निर्णय किया होगा। मुझे एकदम इसके बारे में आज की तारीख में मुझे ध्यान में नहीं है क्या सरकार ने निर्णय किया, परंतु सामान्य तौर से हम लोग इन परिस्थितियों में जहाँ भी होगा राष्ट्रीय गान या प्रारंभ में या राष्ट्रीय गीत उसके आरंभ में इस प्रकार का रहता है, तो वहाँ की जिस प्रकार की परंपरा हो ऐसा सामान्य तौर से स्थिति रहती है। पूरे हिंदुस्तान में मैं ये कह सकता हूँ कि एक समय ऐसा था कि एक हम बस्तर से हमारे सांसद जीतते थे और एक झारखंड से करिया मुंडा जी, और मैं 96 से केंद्र में काम करना प्रारंभ किया। वैसे भी मैं 80 से काम कर रहा हूँ, परंतु केंद्र में 96 से हमने काम प्रारंभ किया। और मैं आपको ये कह सकता हूँ कि अटल जी की सरकार भी बनी, उस समय भी ट्राइबल मोर्चा, जनजाति मोर्चा, आदिवासियों की बहुत भूमिका रही, और ये निरंतर आप देखेंगे इसके कारण, इस मोर्चे के कारण बहुत बड़ी संख्या में इजाफा हुआ। हम तो 35-35, 36-36 सीट हम लोकसभा सीट जीत करके आए। पहले हम 2 जीतते थे, हमारा पुराना रिकॉर्ड अगर देखेंगे, और निरंतर आज भी भारतीय जनता पार्टी के पास जनजातीय समाज के चाहे विधायकों की संख्या हो और चाहे लोकसभा में हो सांसदों का हो, वो संख्या आज भी बरकरार है। हमने निरंतर इस क्षेत्र में काम किया है। जैसे आपने मध्य प्रदेश के बारे में कहा, हमने पिछले 2002 के बाद देखिए, 8 में भी देखिए, 13 में भी देखिए, ये जरूर है कि 18 में हमको नुकसान इस क्षेत्र में हुआ, परंतु ठीक उसके 6 महीने बाद लोकसभा हुए, लोकसभा में हमने 100% सीटें हमने ट्राइबल के जीते। तो कई बार ऐसी परिस्थिति बनती है राज्य के अंदर, वहाँ की विधानसभाओं के अंदर क्या परिस्थितियाँ हैं उस पर काफ़ी चीज़ें निर्भर करता है। परंतु ओवरऑल आज देश में देखेंगे तो नरेंद्र मोदी जी ने ट्राइबल को एक प्रकार का बहुत फोकस और सम्मान दिया है। राष्ट्रपति जैसे महत्वपूर्ण पद में द्रौपदी मुर्मू का भी निर्वाचन होना, राष्ट्रपति बनना ही अपने आप में एक बड़ा विषय है, और इसीलिए मैं कह सकता हूँ कि ट्राइबल आज मूलतः भारतीय जनता पार्टी के साथ में कुछ परिस्थितियों के कारण, वहाँ के लोकल स्थिति के कारण थोड़े बहुत नुकसान हुआ है, परंतु हम उसको ये कह सकते हैं कि आने वाले भविष्य में उसको और अच्छा हम प्रदर्शन करेंगे और कोशिश करेंगे हम जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हम आने वाले भविष्य में करेंगे। देखिए, मैं ये कह सकता हूँ कि देखिए लोकसभा के दृष्टि से पूरे देश भर में जो परिदृश्य मैंने बताया कि इसके पहले कांग्रेस के समय में भी उनकी क्या स्थिति होती थी, वो मोटे तौर से कांग्रेस के साथ में रहते थे, पर 96 के बाद आप देखिए, मुझे याद है जब नेता प्रतिपक्ष अटल जी हुआ करते थे, तो मैंने उस समय इसी मोर्चे के प्लेटफार्म में कहा था कि अटल जी आप भविष्य में प्रधानमंत्री बनेंगे तो आप जरूर इस देश भर के ट्राइबल की चिंता कीजिए। उनने प्रधानमंत्री बनते से ही जनजातीय ये जो मंत्रालय बनाया है ये अटल जी की देन है। फिर नॉर्थ ईस्ट के लिए उनने एक डोनर मिनिस्ट्री बनाया, तीसरा उनने जो फॉरेस्ट राइट्स की बात हमने किया उसके अधिकार पत्रों की बात हुई, फॉरेस्ट कानून बना, ये चीज़ें प्राथमिक तौर से उनने प्रारंभ किया। आज धीरे धीरे
देश भर में एक कमीशन भी ट्राइबल का बन गया और इस क्षेत्र में काम भी होना शुरू हो गया, फाइनेंस कॉरपोरेशन बन गया। और आज बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जहां पर ट्राइबल कमीशन नहीं बन पाए इतने समय के बाद, परंतु देश में अटल जी ने ये सब योजनाओं को प्रारंभ किया और इसी तर्ज में आज नरेंद्र मोदी जी आगे बढ़ रहे हैं। और मैं ये कह सकता हूँ कि आज जो कुछ भी है तो इस दिशा में बहुत अच्छा एक प्रकार का ट्राइबल का सम्मान, उनका परफॉर्मेंस, ट्राइबल के लिए विकास की योजना है, बच्चों के शिक्षा के लिए एकलव्य आदर्श विद्यालय भी हमने प्रारंभ उस समय किया 2000 में, और आज बीच में थोड़ा ब्रेक हुआ, परंतु मोदी जी के आने के बाद 2014 से फिर हमने इसको और पूरे विकासखंड जितने हैं डोमिनेटेड भी और जो ब्लॉक हैं हमारे ट्राइबल विकास 740 के आसपास है पूरे देश भर में, हम एकलव्य आदर्श विद्यालय प्रारंभ कर रहे हैं शिक्षा के लिए, उसमें भी CBSE। तो इस प्रकार के बड़े विचार के साथ आगे बढ़ रहे हैं और आज धीरे धीरे हम इसको पूरा करते हुए भी आगे जा रहे हैं। हमारे तरफ से तो हमने जो भी संभव हुआ, नीतीश जी जदयू को जो भी सम्मान दे सकती थी पार्टी ने दिया। अब जो भी परिस्थितियां वहां की हैं, बिहार की क्या परिस्थितियां हैं, नीतीश जी क्यों गए क्या गए, इस पर बहुत चर्चा डिबेट करने की ज़रूरत नहीं है, परंतु आने वाला भविष्य इस बात का तय करेगा। हमने उसको कम संख्या होने के बाद भी चीफ मिनिस्टर बनाया, हमारे अध्यक्ष जी ने अनाउंस इस चुनाव पूर्व उन्होंने कहा कि बिहार का चीफ मिनिस्टर नीतीश जी ही होंगे, हमने बनाया। परंतु दुर्भाग्य से ये जो घटनाक्रम हुआ, इस घटनाक्रम में नीतीश जी अपने आप छोड़ करके गए हैं, तो उसका परिणाम जो भी होगा आगे देखेंगे। और हम तो पार्टी के लिए, हमारी तैयारी है, पार्टी अपने दमखम के साथ में लड़ेगी और जो स्थिति आज है हम सरकार भी बनाएंगे बिहार के अंदर आने वाले समय में, जब भी चुनाव होंगे बिहार में तो उस समय देखेंगे क्या परिस्थितियां बनती है। परंतु मैं कह सकता हूं मेरे पास 3 लोकसभा हैं बिहार के, मैं अभी होकर के आया हूं और अभी 2-3 दिन बाद फिर जाने वाला हूं, ऐसे अलग अलग लोकसभाओं के अंदर हम काम कर रहे हैं, तो उसमें से अनुभव आया। हमारे कार्यकर्ता बहुत ताकत के साथ में लगे हैं और भारतीय जनता पार्टी का विस्तार भी हो रहा है और बूथों को भी हम नीचे देख रहे हैं और पूरे पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी को भी देख रहे हैं, ऐसे पूरे क्षेत्रों के अंदर। मैं यही कह सकता हूँ कि अगर जैसे वहाँ 6 असेंबली सीट्स हैं तो मेरे पास 6 दिन 18 सीटें मेरे अभी पास हैं जहाँ मैं काम कर रहा हूँ। देखिए, हम कोई भी सरकार हो, सरकार को शुभकामनाएं देता है प्रधानमंत्री जी, सभी सरकारों से भी अपेक्षा करती है कि देश के लिए, प्रदेश के लोगों के लिए जो अच्छा काम कर सकते हैं। आपने देखा होगा अभी हमने आज़ादी का अमृत महोत्सव कल बड़े धूमधाम से देश भर में मनाया है, यही आनंद और उत्साह का अवसर है। हमने सारे देश के अंदर जितने राज्य सरकार है, प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा कि हम सभी राज्य सरकारों से भी अपेक्षा करते हैं कि देश की जनता के बारे में, 130 करोड़ लोगों के बारे में चिंता करें, उनकी जो मूलभूत सुविधाएं उनको लेकर के आगे बढ़े, ये आह्वान प्रधानमंत्री जी ने किया है। और आने वाला जो भविष्य हमारा 25 वर्षों का है उसके लिए एक बड़े कार्य योजना के साथ में हम देश को और ऊंचाइयों तक ले जाना चाहते हैं, इस प्रकार की कल्पना के साथ। देखिए, अब ये तो पार्टी तय करेगी, क्या करेगी नहीं करेगी ये पार्टी तय करेगी, सोचेंगे उसके बारे में जब समय आएगा। परिस्थितियों के आधार पर राजनीति में बहुत सारे निर्णय होते हैं। आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव के तहत ट्रैफिक पुलिस व सिविल पुलिस की संयुक्त टीम ने SP ट्रैफिक के नेतृत्व में पुलिस लाइन से महानगर में पैदल तिरंगा यात्रा निकाला, जिसके संबंध में SP ट्रैफिक डॉक्टर MP सिंह ने बताया कि पूरे देश आज़ादी का अमृत महोत्सव एक सप्ताह से मना रहे हैं, जिसको देखते हुए ट्रैफिक पुलिस व सिविल पुलिस के द्वारा पैदल तिरंगा मार्च निकाला गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य ऊर्जा का संचार करना है, जिससे सभी व्यक्तियों में देशभक्ति की भावना को पैदा किया जा सके। उन्होंने कहा, इस तरह के कार्यक्रम से देश को आजाद कराने वाले वीर शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि दिया जा सकता है और लोग वीर शहीदों के बारे में जान सकेंगे। इस अवसर पर CO ट्रैफिक जयप्रकाश सिंह, इंस्पेक्टर मनोज कुमार राय सहित भारी संख्या में जवान मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SP ट्रैफिक डॉक्टर MP सिंह ने कहा, चलो।
सभी लोग आज़ादी का अमृत महोत्सव पिछले एक सप्ताह से मना रहे हैं। उसी आयोजन के क्रम में आज पुलिस की महिला आरक्षियों द्वारा, हमारे पुलिस के जवानों द्वारा, बैंड द्वारा, ट्रैफिक कर्मियों द्वारा, सभी के द्वारा तिरंगा मार्च पास्ट का आयोजन किया गया। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य हमारे सभी जवानों में जोश एवं नई ऊर्जा का संचार करना है एवं जनता के सभी व्यक्तियों में जो देशभक्ति की भावना है उसको मजबूत करना है। हम अपने जवानों के अपने तिरंगा मार्च के माध्यम से सभी जनपद वासियों के लिए स्वाधीनता दिवस की बधाई देते हैं एवं सभी के लिए इससे प्रेरणा मिलेगी कि हमारे महापुरुष स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने देश को आज़ाद कराने में योगदान दिया उन सबके पथ प्रदर्शनों से चलकर उनके बनाए गए दिए गए मानदंडों का पालन करते हुए देश के लिए और मजबूत बनाने में, देश की एकता और अखंडता को की भावना जो है मजबूत करने में ये निश्चित रूप से ये रैली सहायक सिद्ध। इसमें करीब हमारे 250 पुलिसकर्मी जो है इसमें सम्मिलित हो रहे हैं और प्रमुख भीड़ भाड़ वाले बाजारों, स्पेशली हमारा ये गोलघर एरिया, विजय चौक, कचहरी चौराहा, अग्रसेन चौराहा, इधर से होके हमारा इस मार्च पास्ट ने आज ज़्यादातर भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में भ्रमण किया ताकि अधिक से अधिक लोगों तक हम अपना राष्ट्र प्रेम का संदेश दे सकें। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। 14 अगस्त को युवक धीरज पांडे के हत्या के आरोप में वांछित अभियुक्त डॉक्टर प्रभाकर वर्धन राज उर्फ नीटू राज को सहजनवा थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि के अवसर पर भाजपाइयों ने उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर दी उन्हें श्रद्धांजलि। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के पद चिन्हों पर चलने का लिया संकल्प। भाजपा के अनुसूचित जनजाति मोर्चा के रानीडीहा स्थित एक निजी स्कूल में 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने दीप प्रज्वलित कर किया शुभारंभ। कहा, सरकार के कल्याणकारी योजनाएं सहित अन्य विषयों पर हुई चर्चा। आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के तहत ट्रैफिक पुलिस व सिविल पुलिस ने एसपी ट्रैफिक डॉक्टर एमपी सिंह के नेतृत्व में पुलिस लाइन से महानगर में निकाला पैदल तिरंगा यात्रा। कहा, देश को आजाद कराने वाले वीर अमर शहीदों को किया गया याद। एक संगठन के द्वारा गोरखपुर विश्वविद्यालय परिसर में स्टॉल लगाए जाने पर छात्रों ने किया विरोध प्रदर्शन। मौके पर पहुंचे गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर एस के सिंह ने छात्रों को समझा बुझाकर कराया शांत। कहा, कल से गोरखपुर विश्वविद्यालय परिसर में नहीं लगेगा कोई स्टॉल। उत्तर प्रदेश आशा वर्कर्स यूनियन का मंडलीय महापड़ाव सकसल हुआ संपन्न। 12 सितम्बर को आयोजित होने वाले कार्यक्रम को सफल बनाने पर हुई चर्चा।
आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत महिला पुलिस एवं पीएससी के बच्चों द्वारा गोरक्षनाथ मंदिर से मैराथन दौड़ का किया गया आयोजन। एसपी ट्रैफिक ने बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले महिला पुलिस एवं बच्चों को पुरस्कार देकर किया सम्मानित। पेगस निशान गोरखपुर का एकमात्र निशान डस्टन का एक्सक्लूसिव शोरूम और वर्कशॉप। जी हाँ, सही सुना आपने। जिन गाड़ियों के खरीदने के लिए या सर्विसिंग के लिए आपको गोरखपुर से बाहर जाना पड़ता था, अब पेगस निशान लाए हैं ये सारी सुविधाएं एक ही छत के नीचे। पेगस निशान सेल्स सर्विसेज एंड स्पेयर्स, भारत पेट्रोलियम के अपोजिट, नौसर गोरखपुर। हमारी तरफ से विशेष ऑफर, निशान डस्टन गाड़ी की खरीद पर फ्री इंश्योरेंस, कंडीशंस अप्लाई। रॉयल लोगों की रॉयल पसंद रेड रॉयल चाय। मटको मंगलम टावर गोलघर के यहाँ कपड़े खरीदे भी, सिलवाए भी और ड्राईक्लीन भी करवाए। दो की ड्राईक्लीन पर एक कपड़ा मुफ्त। फ्री होम डिलीवरी और पिकअप के लिए कॉल करें 9044663300। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्रों ने विश्वविद्यालय परिसर में एक संगठन का स्टॉल लगाए जाने पर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान छात्रों को समझाने के लिए मौके पर पहुंचे विश्वविद्यालय के भूगोल के प्रोफेसर एस के सिंह ने छात्रों से बात की और उनकी समस्याओं को जाना, जिसके संबंध में गोरखपुर विश्वविद्यालय के भूगोल के प्रोफेसर एस के सिंह ने बताया कि छात्रों की जो मांग है उसको मान लिया गया है। कल से विश्वविद्यालय परिसर में कोई स्टॉल नहीं लगेगा, जिस पर छात्रों ने मांग किया है कि स्टॉल को तुरंत हटाया जाए। छात्रों को समझा दिया गया है कि कल से कोई भी स्टॉल गोरखपुर विश्वविद्यालय परिसर में नहीं लगेगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर एस के सिंह ने कहा, प्रवेश समय की शिक्षक बच्चे फोटो खींच के हम बता देते हैं टाइमिंग। दिखाओ, दिखाते दिखा दो, मोबाइल तो दिखा दो। ये तो जब आपके पास वीडियो आएगी उसका टाइम। मैडम बैठी हुई है, वो नहीं दिख रहा है।
सॉफ्टवेयर में यूनिवर्सिटी सॉफ्टवेयर वाली बात नहीं है, यूनिवर्सिटी सॉफ्टवेयर में बता दे कितना फंडिंग आया विश्वविद्यालय को, विश्वविद्यालय आप बताइए झूठे हैं। अरे हम लोग पूछते हैं क्यों ऐसा किया। अरे क्या मजबूरी, चुप रहो यार, बस हाँ ना सर, कांग्रेसी अंग्रेज हटाएंगे कि यार पहले सबको हटाएंगे, उनके अंग्रेजों संतानों उसको हटाएंगे या ना, बस उसको हटाएंगे कि नहीं, व्यवस्था कर रहे हैं उसको हटाएंगे हम लोग जाएंगे, लेकिन कितने देर में आएंगे, देर में आएंगे, कल कोई किसी का नहीं अभी जेल चले जाए। क्या मांगे लोग, प्रदर्शन करना है, इन लोगों की मांग है कि किसी भी प्रकार का यहाँ जो है हेल्प डेस्क लगा हुआ है, एबीवीपी ने हम बताएं भैया रुपया ये गलत बोल रहे हैं, एबीवीपी ने जो हेल्प डेस्क लगाया है वो यहाँ अनुचित है, और अंदर प्रोजेक्टर पे चलवा रहे थे, नहीं प्रोजेक्टर तो मैं देखा था, वीडियो है अब प्रोजेक्टर तो हम प्रोजेक्टर में अगर जिस प्रोजेक्टर की बात कह रहे हैं तो प्रवेश समिति से वो पूछा जाएगा, क्योंकि जब तक हम प्रवेश समिति के मेंबर से ये वो तो जांच का विषय है, हम आपकी बात अभी तुरंत हम कैसे ये एक्सेप्ट कर सकते हैं, जब तक के रूप में प्रस्तुत कर सकते नहीं नहीं आप साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करिए, लेकिन जांच कमेटी के सामने रखें, वो जांच कमेटी की बात, उसके बाद जो है कोई निष्कर्ष निकलेगा कि चलाया गया है कि पुराना है क्या है जो भी है, लेकिन फिलहाल जो है ये 2 घंटे तक हमारा एडमिशन इस लिहाज से बाधित किए थे कि ये डेस्क क्यों लगा है, नहीं नहीं प्रोजेक्टर हमको बोलने दीजिए, झूठ बोल रहे हैं, नहीं नहीं सर हम बोले हम सबसे पहले मैंने यही कहा कि एडमिशन स्मूथली चलने दीजिए, आप लोग बाहर आ जाइए, वो हटाने की व्यवस्था की जा रही है, लेकिन अब तत्काल हटाइए देखिए सुनिए धमकी दे रहे हैं क्या सर, हटा वो उनका सुन लीजिए क्या 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 धमकी दिया गया लीगल है कि नहीं कल कोई नहीं लगेगा। उत्तर प्रदेश आशा वर्कर्स यूनियन का मंजलीय एक दिवसीय महापड़ाव सकुशल संपन्न हुआ, जिसके संबंध में उत्तर प्रदेश के आशा वर्कर्स यूनियन की कार्यक्रम अध्यक्ष सेवाती देवी ने बताया कि सरकार द्वारा आशा वर्करों के मानदेय में वृद्धि की गई थी, लेकिन अभी तक हम लोगों को मिल नहीं रहा है, जिसको लेकर 12 सितंबर को सभी आशा वर्कर लखनऊ जाएंगे और विधानसभा का घेराव करेंगे, अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरेंगे। उन्होंने बताया कि एक काम का पैसा देकर हम लोगों से 4 काम करवाया जाता है और हम लोगों के मानदेय को भी अधिकारी बंदर बांट कर दे रहे हैं, जिसकी शिकायत कई बार की गई लेकिन किसी भी अधिकारी ने ध्यान नहीं दिया, इसलिए हमारी मांग है कि हम लोगों का एक निश्चित मानदेय 20,000 रुपए महीना तय किया जाए और हम लोगों को राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए उत्तर प्रदेश आशा वर्कर्स यूनियन की कार्यक्रम अध्यक्ष सेवाती देवी ने कहा, उसके लिए ये है कि हम लोगों ने जैसे संविधान है, आप सबके ऊपर भी जिम्मेदारी है कि आप जिन जिलों में है जीत के लाना है और उन्हें बहादुरी के साथ मैदान में खड़ा करना है कि ये करना बहुत जरूरी। 67,000 रुपए आशा का ठग पाते हो पेंशन जुड़ी कितना 67,000 मैं कहा ना 5,250 रुपया हम दे रहे हैं और 1,500 रुपये ये जोड़ा जाए तो कितना हुआ 67,500 का, ये 67,500 रुपए 67,500 रुपए का भुगतान जुलाई जनवरी के महीने से आपको करना होगा और इसके पहले का जो हिसाब किताब है वो
500 के हिसाब से आपको करना होगा, और एक एक पैसे के लिए आज बात इसकी नहीं है कि कल हम अपने आप का 11,000 करा लेंगे, 18,000 करा लेंगे, 20,000 करा लेंगे, ये लड़ाई चलेगी। हमारा नाम है सेवाती देवी। तैयारी ये चल रही है हम लोगों की, जो मुख्यमंत्री जी हम लोगों को बढ़ाए हैं पैसा संगिनी का और आशा का, वो पैसा हम लोगों को अभी तक मिला नहीं, और हम उसी मांग को लेकर अब हम लोग लखनऊ जाने वाले हैं अगले महीने में 12 तारीख को। अब हम लोग विधानसभा को घेराव करेंगे और अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरेंगे। हम लोगों का पैसा जो भी मिलता है वो भी समय से नहीं मिलता है, उसमें भी ब्लॉक के जो BPM है, BCPM है, MIC है, वो लोग बंदर बांट करके ले रहे हैं। समय से देने बिना जो भी हम लोगों को प्रोत्साहन राशि है समय से नहीं दे रहे हैं। इसके कई कई हम लोगों का उद्देश्य है जो इसको लेकर हम लोग लखनऊ में जाएंगे। शिकायत आपने की जो पैसा बता रही है नहीं मिलता है। बहुत बार शिकायत हम लोग कर चुके हैं, लोग कहते हैं बजट नहीं है, 2,000 भेजते हैं महीने में, कहते हैं बजट नहीं है, आएगा तो जाएगा। क्या मांगे हैं? हम लोगों की मांगे ये हैं कि कम से कम हम लोगों को नियमित मानदेय 20,000 महीना, 20,000 महीना किया जाए, और हम लोगों को राज कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। हम लोगों को परिवार के लिए, मान लीजिए हम लोगों को कुछ हो जाता है, कोई घटना घट जाती है हम लोगों के साथ, तो हम लोगों के परिवार को का सहायता किया जाए, कुछ दिया जाए हम लोगों के सहायता के नाम पर। हम लोग रात दिन काम कर रहे हैं, हम लोगों के काम से जो बच्चों का मृत्यु दर कम हुआ है, अस्पतालों में सरकारी अस्पतालों में एक भी मरीज नहीं जाते थे, हम लोगों के वजह से इतने मरीज जा रहे हैं कि अस्पताल के लोग भी घबरा जाते हैं। सदर अस्पताल हुआ, मेडिकल हुआ, जो लोग नाम सुन के डरते थे, अब इतने लोग जा रहे हैं कि अस्पताल वाले खुद घबरा जाते हैं कि आशाएँ लेकर आ गई मरीजों को। हम लोग वहाँ पे हम लोगों का उत्पीड़न होता है कि अब हम लोगों को लोग बढ़िया से व्यवहार नहीं करते हम लोगों के साथ। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत SP ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह के नेतृत्व में महिला पुलिस एवं PSC के बच्चों द्वारा मैराथन का आयोजन किया गया। SP ट्रैफिक ने हरी झंडी दिखाकर मैराथन का प्रारंभ किया, जो गोरक्षनाथ मंदिर से निकलकर MP पॉलिटेक्निक होते हुए वापस मंदिर पर आकर के समाप्त हुआ, तथा मैराथन दौड़ में बेहतर प्रदर्शन करने वाली महिला पुलिस एवं बच्चों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। जिसके संबंध में SP ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने बताया कि इस मैराथन का उद्देश्य जनमानस में राष्ट्रीय भक्ति की भावना जागृत करना तथा सुरक्षा एवं शांति के साथ पुलिस बल के प्रति लोगों का विश्वास कायम रखना है। हमारे महापुरुष जिन्होंने अपने देश को आजाद कराने में अपना जीवन निछावर कर दिया, उनके आदर्शों से प्रेरणा लेकर संपूर्ण देश में देश प्रेम की भावनाओं को और मजबूत करना है। इस अवसर पर CO यातायात, CO गोरक्षनाथ, गोरखनाथ थाना प्रभारी, यातायात निरीक्षण सहित अन्य पुलिस के जवान मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SP ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने कहा, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। 3, 2, 1
जोर लगा के समय पूरा देश राष्ट्रप्रेम की भावना में सरोवर है। संपूर्ण देश में देशभक्ति की भावना बढ़ाने के उद्देश्य से विभिन्न कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। इसी कड़ी में आज पुलिस की महिला आरक्षियों की मैराथन दौड़ कराई गई और पुलिस परिवार के बच्चों की भी मैराथन दौड़ कराई गई। दौड़ का मुख्य उद्देश्य हमारे जवानों में और बच्चों में सब में देश प्रेम के प्रति एक नई ऊर्जा का संचार करना है, उसको बढ़ावा देना है। हमारे महापुरुष जिन्होंने आज़ादी प्राप्त कराने में अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया, उनके आदर्शों से प्रेरणा लेके संपूर्ण देश में देश प्रेम की भावना को और मजबूत करना है। ये दौड़ कहाँ से कहाँ कराई गई है? ये दौड़ जिस प्रकार जनपद में सब जगह कार्यक्रम हो रहे हैं, इसी प्रकार आज इस दौड़ का आयोजन श्री गोरक्षनाथ मंदिर से एमपी पॉलिटेक्निक और आगे मधुर मिलन मैरिज हॉल तक जो है कराई गई। स्वाधीनता की 75वीं वर्षगांठ संपूर्ण भारतवर्ष में मनाई जा रही है। संपूर्ण भारतवर्ष देश प्रेम में हो रहा है, उसी के उस श्रृंखला के आयोजन में आज महिला पुलिस की आरक्षियों के लिए सबका मैराथन दौड़ आयोजित किया गया और पुलिस परिवार के बच्चों का मैराथन दौड़ आयोजित किया गया। इन कार्यक्रम का उद्देश्य हमारे जवानों में, परिवारों में, संपूर्ण देश में, सभी नागरिकों में देश प्रेम की भावना की बढ़ोतरी करना है। आज इस दौड़ का आयोजन
जैसे संपूर्ण शहर में हो रहा है, इसी प्रकार से श्री गोरक्षनाथ मंदिर के बाहर एमपी पॉलिटेक्निक और आगे मैरिज हॉल तक किया गया। जवानों में, परिवारों में, बच्चों में, सभी में देश प्रेम की भावना बढ़ाने के उद्देश्य से एवं हमारे महापुरुष जिन्होंने देश की आज़ादी में योगदान दिया, उनके उन्होंने जो आदर्श स्थापित किए उनका पालन करते हुए अपने देश को मजबूत बनाने की कड़ी में ये एक और कदम है। इसमें हमारी 70 महिलाओं ने प्रतिभाग किया और 50 बच्चों ने प्रतिभाग किया। इनमें प्रथम 5 आने वाले प्रतिभागियों के लिए पुरस्कृत किया गया। गोरखपुर न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। 14 अगस्त को युवक धीरज पांडे के हत्या के आरोप में वांछित अभियुक्त डॉक्टर प्रभाकर वर्धन राज उर्फ नीटू राज को सहजमना थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि के अवसर पर भाजपाइयों ने उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर दी उन्हें श्रद्धांजलि। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के पद चिन्हों पर चलने का लिया संकल्प। भाजपा के अनुसूचित जनजाति मोर्चा के रानीडीहा स्थित एक निजी स्कूल में 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने दीप प्रज्वलित कर किया शुभारंभ। कहा, सरकार के कल्याणकारी योजनाएं सहित अन्य विषयों पर हुई चर्चा। आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के तहत ट्रैफिक पुलिस व सिविल पुलिस ने एसपी ट्रैफिक डॉक्टर एमपी सिंह के नेतृत्व में पुलिस लाइन से महानगर में निकाला पैदल तिरंगा यात्रा। कहा, देश को आजाद कराने वाले वीर अमर शहीदों को किया गया याद। एक संगठन के द्वारा गोरखपुर विश्वविद्यालय परिसर में स्टॉल लगाए जाने पर छात्रों ने किया विरोध प्रदर्शन। मौके पर पहुंचे गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर एस के सिंह ने छात्रों को समझा बुझाकर कराया शांत। कहा, कल से गोरखपुर विश्वविद्यालय परिसर में नहीं लगेगा कोई स्टॉल। उत्तर प्रदेश आशा वर्कर्स यूनियन का मंडलीय महापड़ाव सकसल हुआ संपन्न। 12 सितंबर को आयोजित होने वाले कार्यक्रम को सफल बनाने पर हुई चर्चा। आजादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत महिला पुलिस एवं पीएससी के बच्चों द्वारा गोरक्षनाथ मंदिर से मैराथन दौड़ का किया गया आयोजन। एसपी ट्रैफिक ने बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले महिला पुलिस एवं बच्चों को पुरस्कार देकर किया सम्मानित। अब मुझे दे इजाजत, नमस्कार।